बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक प्रेस, चैप्टर नंबर 7 का। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोलिक प्रेस ऐसी मशीन है जो कि वर्क करती है पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। इसमें हम लिक्विड प्रेशर को यूज करते हैं। इट इज़ अ मशीन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो अब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है हाइड्रोलिक प्रेस की मशीन की, इसको देखते हैं। इसमें दो सिलेंडर्स हैं, एक का एरिया बड़ा है और एक का एरिया छोटा है। इसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है, ऊपर हमने पिस्टन्स लगाए हुए हैं, ये पिस्टन और ये पिस्टन। इसका एरिया ज़्यादा है कैपिटल ए, इसको हमने डिनोट कर दिया, और इसका एरिया स्मॉलर है, इसको हमने स्मॉलर ए से डिनोट कर दिया। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, इसके दो सिलेंडर्स होते हैं, एक का एरिया ज़्यादा होता है, एक का एरिया कम होता है। अब पास्कल लॉ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली काम करता है। पास्कल लॉ है क्या, वो ये था कि हम जब भी किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब उस लिक्विड में जो कि इंक्लोज हुआ हो, जैसे ये इंक्लोज है, तो इंक्लोज बॉडी में जब हम किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो प्रेशर जोन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये प्रेशर जोन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको हम हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी डायग्राम बनानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, जिसमें हम यही लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर, वन विद द लार्जर एरिया कैपिटल ए और एक स्मॉलर एरिया इसका स्मॉल ए है, ठीक है। अब स्मॉल ए जो छोटा सिलेंडर है, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे, तो ये फोर्स या प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इनक्लोज्ड कंटेनर में जब भी लिक्विड के ऊपर जब फोर्स लगे या प्रेशर लगे, वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो ये जो प्रेशर है वो इक्वली दोनों सिलेंडर्स में ट्रांसमिट होगा। तो ये सिंपली हाइड्रोलिक प्रेस की बारे में था। अब नेक्स्ट हमने इसकी डेरिवेशन कर दी है, तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया पे, तो इसमें दो सिलेंडर्स हैं, तो दोनों को हम अगर लेट कर लें P1 और P2। अब P1 फॉर एग्जांपल हम इसको ले लें, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, F1, और इसका एरिया क्या है, स्मॉलर ए। इसी तरह ये इसको फॉर एग्जांपल हम 2 ले लें, इस सिलेंडर को हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, और ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है नीचे से। तो इसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के ओवर कैपिटल ए के। इसके ऊपर जो फोर्स है इसको हमने F2 से डिनोट कर दिया, इसका एरिया जो है कैपिटल ए है, सिंपल F4A, इसको हमने लिख लिया। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों का प्रेशर क्या है, इक्वल हो जाएगा। P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के, मतलब क्या है, F1 ओवर A इक्वल हो जाएगा F2 ओवर कैपिटल A। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि जो हमने फोर्स लगाई है F1, ये कैलकुलेटेड थी क्योंकि हम लगा रहे थे, इसके रिस्पॉन्स में हमें एक फोर्स मिली है F2। अगर हम ये F2 फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हम F2 कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि इक्वल आ जाएगी F1 ओवर स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए, मतलब F1 सिंपली इनटू कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। ये आगे हमारे पास वो फोर्स जो हमें आउटपुट में मिल रही है, जो वो फोर्स आगे जो हमें आउटपुट में मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल जो हमें फोर्स मिल रही है, उसको हम किसी भी वर्क में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने पिस्टन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसको हमने इनक्लोज कर दिया। जब इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई होगी, तो ये ऑब्जेक्ट जो है कंप्रेस होगा क्योंकि ऊपर से क्लोज है। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ पे जाएगी, तो ये पिस्टन जो है ऊपर को मूव करेगा, पिस्टन जो है ऊपर को मूव करेगा, F2 जो है ऊपर को लगाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा, तो इस कंप्रेसिंग को हम F2 फोर्स इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करवाना हो या कोई भी बॉडी लिफ्ट करवानी हो, इसलिए भी यूज होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसका कंक्लूजन है। अगर हम देखें इसका कंक्लूजन क्या आएगा,
कंक्लूजन इसका ये है कि जो सी एफ टू है वो हमेशा इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये ए ओवर ए रेशो है, ये ए ओवर ए रेशो इसके ऊपर आते हैं। अब हम ए ओवर ए रेशो, कैपिटल ए जिसका एरिया ज़्यादा है, स्मॉल ए जिसका एरिया कम है। तो जब ऊपर ज़्यादा वैल्यू हो, मैथ का रूल होता है कि जब ऊपर ज़्यादा वैल्यू हो नीचे स्मॉलर वैल्यू हो, तो ये जो सी वैल्यू है ये हमेशा वन से ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन वन होती है जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो। तो इस तरह ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये वाला एरिया कम है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका आंसर हमेशा वन से ग्रेटर रहेगा। अब इसका आंसर वन से ग्रेटर रहेगा जब ये एफ वन से मल्टीप्लाई होगा तो एफ वन को इंक्रीज कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि 1.5 जो कि वन से ग्रेटर है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी वैल्यू है जी, ये जब मल्टीप्लाई होगी तो वो उसको इंक्रीज करेगी। अब ये जैसे 1.5 ने 2 को इंक्रीज कर दिया 3 पर। तो इस तरह हम ये भी देख सकते हैं कि जब ये जोन सी है, ये वैल्यू 2 के ग्रेटर है 1 से, तो इसलिए एफ टू जोन सी है वो ये हमेशा लार्ज होगी। तो इसका कंक्लूजन है वो ये कह रहे हैं कि इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम स्मॉलर फोर्स लगाएं और वो फोर्स जो है वो ज़्यादा होके हमें मिलती है। ज़्यादा होके कैसे मिलेगी? मैंने आपको बता दिया कि जो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए, कैपिटल ए जो ज़्यादा है, जब ऊपर ज़्यादा वैल्यू होगी नीचे स्मॉलर वैल्यू होगी, मतलब उसकी रेशियो जो है वो ग्रेटर दैन वन है, उसकी रेशियो ग्रेटर दैन वन वाली रेशियो जब भी किसी बॉडी के साथ किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसको भी ज़्यादा बना देगी। तो इस तरह हमें एफ टू जो है वो ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए ये एफ टू हम स्मॉलर फोर्स से हम लार्जर फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब फोर्स इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन थी कि ये हाइड्रोलिक प्रेस ऐसा मशीन है जो कि वर्क कर रही है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। पास्कल लॉ क्या था कि जब हम किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये दो सिलेंडर थे, एक का एरिया ज़्यादा था, एक का एरिया स्मॉलर था। स्मॉलर एरिया पे जब हमने फोर्स लगाई, स्मॉलर फोर्स लगाई, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसका प्रेशर जो है, तो इसका प्रेशर और दोनों का प्रेशर जो था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का प्रेशर इक्वल आ गया, P1 निकालिए F1 ओवर स्मॉल ए, P2 निकालिए F2 ओवर कैपिटल ए, दोनों का प्रेशर इक्वल है क्योंकि पास्कल लॉ हमें कह रहे हैं। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी, F1 ओवर स्मॉल ए इक्वल्स टू F2 ओवर कैपिटल ए। F2 अगर हमने निकालना है, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ओवर ए जो सी रेशियो है वो 1 से ग्रेटर रहेगी और फिर F2 जो है वो लार्ज होगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।